स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे आलू और गोभी की सब्जी बनाना सिखाने जा रही हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत अच्छा लगता है। जब सर्दियों में गोभी बहुत ज़्यादा आती है तो आलू के साथ अगर इसको मिला दिया जाए तो गोभी के टेस्ट में भी चार चांद लग जाते हैं। ऐसा नहीं है गोभी टेस्टी नहीं होती है, लेकिन आलू के साथ मिलकर के ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है और सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के हम फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे मैंने आलू को चॉप्ड कर लिया है छोटे छोटे स्क्वायर्स के रूप में। आपको जितना बड़ा साइज चाहिए आप कर सकते हैं। और यहाँ पे गोभी को भी मैंने क्लीन करके एकदम इस तरीके से फूल निकाल के चॉप कर लिया है। इतना बड़ा बड़ा काफी है, इससे ज्यादा छोटा करेंगे तो बिल्कुल भुरता हो जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो इतना बड़ा काफी है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई गर्म कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसको यहाँ पे पहले गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे नींबू, ग्रीन चिलीज को स्लिट करके रखा है और साथ में अदरक को भी ज्यूबिलेंस बना के रखा है। इनको ऐड करेंगे हम यहाँ पे। ध्यान से, थोड़ा सा मिर्ची उछल रही है मेरी भी। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहले इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे, तो जितना भी मिर्ची का चरकरापन है वो सब हमारे फ्लेवर जो है, यानी कि हमारे ऑयल में आ जाएगा अदरक और मिर्ची का अच्छे से। तो 2 मिनट के लिए पहले हम इसे यहाँ पे भून लेंगे और अब हम इसमें अपनी कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे। ये गया आलू और ये गोभी। इसमें ऐड करेंगे ये ऊपर से नमक, और यहाँ पे इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब काम हमें धीमी गैस पे ही करना है, यहाँ पे अभी गैस तेज बिल्कुल मत करिएगा। ये इस तरीके से, और अब हम इसको ढक करके पकने देंगे। गैस नहीं रखिएगा, गैस तेज नहीं रखिएगा और सिम कर ही उनसे अभी पकने देंगे। देखिए सब्जी को बनते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा खोल, देखिए आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे इसको फिर से हिला लेंगे एक बार, ऐसे इसी तरीके से इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और सब्जी हमारी इसी तरीके से पकती रहेगी। चला दिया हमने एक बार ताकि ये जले नहीं, और फिर से हम इसको एक बार ढक के पकने देंगे। ये देखिए सब्जी को पकते हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग बन करके तैयार है। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार जितना चाहें इसको गला सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी कच्ची सब्जी पसंद होती है और कुछ लोगों को एकदम पकी हुई, तो जैसी आपको चाहिए आप वैसी बना लीजिए। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, साथ में ये चॉप्ड हरा धनिया, ये देखिए, और यहाँ पे हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इस समय हम अपनी गैस को थोड़ा सा तेज कर लेंगे फुल पे, ताकि कि इसमें थोड़ा सा जो ड्राइनेस है वो आ जाए और ताकि हमारी सब्जी का टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो थोड़ा सा तेज पे करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे यहाँ पे। ये देखिए ये सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए ये सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है, अब गैस को बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं।
ये देखिए लग रही है ना मजेदार आलू और गोभी की ये सब्जी। तो जब चाहे तब बनाइए, खाइए, मजे लीजिए। मुझे तो ये बेसिकली पसंद है गर्मा गर्म पराठों के साथ, खस्ता लेयर्ड सॉफ्ट पराठे, क्रिस्पी एकदम। कैसे बना सकते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं और ये सब्जी उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जब चाहे तब बनाइए, खाइए, मजे लीजिए। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।